और अब आप दूसरी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो आसपास के क्षेत्र में हवा की क्वालिटी, जो एयर इंडेक्स है, उसे सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हवा में बहुत सारे पार्टिकल तैर रहे हैं। मलबे का हिस्सा, जो धुएं का गुबार है, वो इस वक्त हवा में है, उसे सेटल करने की कवायद तेज हो चुकी है। स्प्रिंकलर लगातार काम कर रहे हैं, जिन्हें पहले ही सही जगह पे प्लेस किया गया था, उनकी लोकेशन सेट थी, वो अब वहां पर काम करना शुरू कर चुकी है। उन्हें एक्टिवेट किया गया हुआ है ताकि जल्द से जल्द जो हवा है उसे ठीक की जा सके। देखिए, छह कैमरों की छह तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीरों में आप देखिए कैसे धुएं का गुबार, दूसरे कैमरे की तस्वीरें भी दूसरे एंगल के साथ हैं, जहां पर आप आसपास की बिल्डिंग के बीच में जो धुएं का गुबार देख रहे हैं वो ट्विन टावर का मलबा जो इस वक्त दिखाई दे रहा था आपको। इसके अलावा कैमरे में देखिए, तीसरे कैमरे में जब ये गुबार फैलते चला गया, हवा की जो दिशा थी उसी दिशा में ये गुबार बहते चला गया। चौथे कैमरे से आप देखेंगे कि कितने सिलसिलेवार तरीके से ये बिल्डिंग जमींदोज हुई है, कैसे ये पूरे रिदम के साथ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक गिरती चली गई है, और गिरने के चंद सेकंड बाद मलबे का जो गुबार उठा है वो देखने को मिला है। कैमरे पांच की जो तस्वीरें हैं वो किसी ने मोबाइल से बनाई है, क्योंकि आसपास के घरों में टावर के बीच में कैसा ये मंजर रहा जब ये धमाका हुआ और सीधी सापूत जो खड़ी बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो गई। छठे कैमरे से भी दूर से आप गुबार की तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए, हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, और अब वीरेश, चीजें धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल की ओर मूव करती दिखाई दे रही होंगी। हर चीजें अब अपनी जगह पर जाने की कोशिश कर रही हैं, और जो यहाँ तैयारियां हैं जो पहले से करके रखी गई थी कि किस तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव होगा, कैसे प्रशासन अभी लोगों को बैरिकेटिंग करके रखेगा, नहीं आने देगा। अभी पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज भी किया, जो गांव के लोग थे, कुछ शहर के लोग थे, बड़ी संख्या में कोशिश कर रहे थे कि इसी पुल के जरिए उस जो धाराशाही ट्विन टावर है उस मलबे तक पहुंचे। को हल्का हाजनी पड़ी, हालांकि किसी के ऊपर नहीं, जो पुलिस की अपनी स्टाइल है, तो लोगों में एक भगदड़ मची, लेकिन उत्सुकता का आलम लोगों में तो है ही। और ये देखिए, इस तरह का जो पानी का टैंकर, ये छिड़काव, ये अमूमन चारों तरफ इस बिल्डिंग के यही आपको दिखाई पड़ेगा, या तो पुलिसकर्मी होंगे, या जो नोएडा अथॉरिटी के टैंकर हैं, या एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो पहले से जो ध्वंस के बाद की चीजें तैयारियां की गई थी वो काम आ रही हैं। जो पुलिस के लोग हैं वो भी अपनी अपनी पोजीशन अलग अलग जगहों पर ले रहे हैं। कहीं जो यहाँ अभी जो ट्रैफिक का सिस्टम था उसे रोका गया था जो सवेरे, वैसे ही अभी रोका गया है, किसी को आने जाने की अभी इजाजत नहीं है कि कोई आ सके और मलबे के पास जा सके। बिल्कुल वीरेश, और इजाजत किसी को नहीं है, जो सुपरटेक और एटीएस के, बिल्कुल वीरेश, आपके आसपास जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल सिचुएशन की ओर मूव करती दिखाई दे रही हैं। सनुज, क्या देख पा रहे हैं आप अभी? देखिए, फिलहाल अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल यहां पर जो वाटर स्प्रिंकलर हैं, जो पानी का छिड़काव है, लगातार यहां पर आधा दर्जन से ज़्यादा जो टैंकर हैं वो फिलहाल यहां पर एमरेड कोर्ट सोसाइटी के सामने बाहर की तरफ लगाए गए हैं। पूरी सड़क आप देख लीजिए कि पूरी सड़क इस तरीके से गीली नज़र आ रही है, जैसे यहां पर कोई मूसलाधार बारिश हुई हो, और लगातार यहां पर जो पानी के टैंकर हैं वो लगातार यहां छिड़काव करते नज़र आ रहे हैं। एक एक तस्वीर आप एबीपी गंगा के कैमरे से देखिए कि जो सड़क है उसको, सड़क को भी एक तरीके से धोने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और जो पेड़ों पर धूल के गुब्बार यहाँ नज़र आ रहे हैं उन धूल के गुब्बारों को भी, यहाँ से पेड़ों को भी धोया जा रहा है। पूरी तरीके से ऐसी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है अलग अलग टैंकर से पानी की बरसात करके, कि पूरा जैसे बारिश का माहौल हो, और जो धूल के कण हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर ख़राब हुआ है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर सुधारा जा सके। आप देखिए कि लगातार दो वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं, एक टैंकर सामने काम कर रहा है, एक उधर पेड़ों को धोता हुआ नज़र आ रहा है, और देखिए एक सातवां जो टैंकर है वो और यहाँ पर एंट्री कर गया है। पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी जा रही है, जैसे एमरेड कोर्ट सोसाइटी की तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ,
तो फिलहाल यहाँ इधर की देखिए ये पानी का टैंकर है, अब इसने भी काम शुरू कर दिया है। वो देखिए दूसरा पानी का टैंकर है, सड़कों को जो गीला करते हुए पूरी तरीके से सड़कों पर पानी की बौछार करते हुए वो टैंकर आगे की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा टैंकर उधर से छिड़काव करते जा रहा है, तीसरा टैंकर उधर से जो पेड़ों के ऊपर जो धूल जमी है उसको कर रहा है। लेकिन हाँ, लोग जिस तरीके से परेशान थे, थोड़ा सा कहीं से डरे हुए थे, थोड़ा कहीं सहमे हुए थे, क्या होगा, किस तरीके से बिल्डिंग गिरेगी, कहीं आसपास कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह के किसी नुकसान की जो खबर है वो फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो अधिकारियों का जमावड़ा है, जो यहाँ के प्राधिकरण के जो कर्मचारी और मजदूर हैं उनको भी बुला लिया गया है, क्योंकि मेन रोड पर जो काफ़ी मलबा है वो आ गया है और उस मलबे को हटाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे कि आपको जो लाइटें जलती हुई नज़र आ रही हैं, जो इधर की तस्वीरें हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें उधर की तरफ हैं कि उधर भी जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, जो वाटर स्प्रिंकलर हैं, जो पानी के टैंकर हैं, ये देखिए ये अभी पानी का टैंकर आया है और कैसे यहां पर जो पेड़ों की धुलाई है वो बार बार यहां पेड़ों की जो धुलाई है वो यहां पर की जा रही है। ये आप अच्छा 9 सेकंड मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई है, 100% पास हुई है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरी टीम का वर्क होता है, तो पूरी टीम बधाई की पात्र है क्या कर दिखाया? सर बिल्कुल, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट को होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया, उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। और सर कितने लोग थे, कितने इन्वॉल्व थे, आपने कितने लोग? सर माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी। कितने लोग? हाँ मैडम, टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे और 7 फॉरेन एक्सपर्ट थे हमारे और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, इतने कितने दूर थे? मतलब मैडम सिर्फ 17 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन खुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे ही बटन दबा, बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोड था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक ATS की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। माय सर चेतन दत्ता, आई वॉज जनरल ब्लास्टर। चेतन दत्ता को सुना आपने और ये है विनर वाली फीलिंग। जिस तरीके से उन्होंने कहा, आधे घंटे पहले हम पांचों ब्लास्टर कुछ बात नहीं कर रहे थे, शांति से एक दूसरे को देख रहे थे और जैसे ही बटन दबाया तो सबसे पहले उनके टी शर्ट के ऊपर जो देख सकते हैं आप इस वक्त भागने की, दौड़ने की, पानी की, पसीने की और मलबे की कुछ कुछ तस्वीरें, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी चिंता एमरल्ड कोर्ट थी और उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि और चुनौती को पार करने के बाद वाली खुशी थी। हमारे सहयोगी देखिए किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके इतने बड़े मिशन को सक्सेसफुल करने की ये खुशी है। चेतन दत्ता ने किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर की और विनर वाले फॉर्म में बाहर निकले हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।